हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये पत्ती बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये ऊन की पत्ती है। तो ये किस तरीके से मैंने बताई है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने ये 3.5 mm की क्रोशिया का यूज़ किया है और ये हमने ऊन ली है। तो सबसे पहले हम इसमें एक लूप बनाएंगे, ये देखिए, और इसमें हम फिर 4 चैन बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, ये देखिए। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और एक सर्कल सा इस बना लेंगे। ये देखिए, और इसके सेंटर में हम डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बनाएंगे और इसको हम एक ही बार बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक फंदा हम इसी में रहने देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम हर बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक ही बार निकालेंगे। देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया बना दी हैं। अब ये 3 डबल क्रोशिया है, ये 4, 5, ये 6, 7, और ये 10। ये देखिए, ये 10 हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इन फंदों को एक एक करके ऐसे घटा देंगे। देखिए, इस तरीके से एक एक करके इन सभी फंदों को घटा देंगे। देखिए, हमने ये सारे फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको बनाना है। ये देखिए, उसके बाद इसी पत्ती को हम ऐसे टर्न करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और फिर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही हमें सेम बनानी है, और इसमें भी हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, हमने ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4, ये 5, 6, 7, ये देखिए, इस ऊन को भी हमें इसके अंदर ही लेना है, 8, 9, ये 10। ये देखिए, हमने ये 10 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इन सभी फंदों को हम एक एक करके घटा देंगे। देखिए, इस तरीके से जैसे हमने पहले घटाया था, इसी तरीके से हमें इसको भी घटाना है। ये देखिए, हमने सारे फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम कट कर देंगे और ये पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पत्ती बनी है। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम बैक साइड में सेट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से क्रोशिया की हेल्प से हम इसको इस तरीके से इसके अंदर ही छुपा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से, जिससे कि ये नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरीके से, ये ज़्यादा बड़ी है तो मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पत्ती बनी है। इस तरीके से आप डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके से पत्तियाँ बना सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारी पत्तियाँ बना ली हैं, ये देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका यूज़ करना बताने वाली हूँ कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।